हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों के साथ ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ जो इंडियन वेयर पे काफ़ी अच्छा लगेगा, लंबे वालों के साथ भी बहुत प्यारा लगने वाला है। तो वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा हेयर स्टाइल का फाइनल लुक देखने के लिए। और उससे पहले जो हम लोग आईब्रो फील करते टाइम मिस्टेक करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी छोटी सी वीडियो है, तो वो भी वॉच कर लीजिएगा। एंड सेकेंड चैनल पर मैंने बताया है कंधा गिरने का सबसे बड़ा कारण क्या है। मैक्सिमम लोग ये मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां करते हैं, तो उसका वीडियो मैंने अपने सेकेंड चैनल प्रीत तिवारी 2 पे डाल दिया है। तो आप जाके जल्दी से वॉच कर लीजिए अगर आपको भी ये प्रॉब्लम्स आती है। आपका सूट प्रॉपर तरीके से आपने सब कुछ सही बनाया फिर भी शोल्डर गिरने लगता है, तो जाके देख लीजिए, उससे आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा प्रीत तिवारी 2 चैनल पे। और ये हेयर स्टाइल एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। कैसा लगा हेयर स्टाइल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आ जाइए। जब भी आईब्रो फील करते हैं हम लोग तो ये जैसे जैसे हमारा आईब्रो का स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लीजिए ये हमारी नोज है, ठीक है, तो आपका नोज के सीध में यहाँ पे एक बिंदु लगानी है, जस्ट इससे थोड़ा सा ऊपर एक और फिर इसी के सीध में एक नीचे, ठीक है। इन तीनों को आप मिला देंगे, ठीक है। अब जो अपर वाला डायरेक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगी और जहाँ तक उठा हुआ है वहाँ तक ले जाके इसको सिंपल ऐसे मिला देंगे। फ्रंट का जो पार्ट है इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना होता है, सिंपली इस तरीके का हेयर होता है हमारा, फिर इस तरीके से आपको मिक्स करना होता है। जब आप आईब्रो फील करोगे तो जो प्रोडक्ट है वो आपको मिडिल पार्ट से लेकर लास्ट पार्ट तक तो आप ज़्यादा यूज कर सकते हो, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है ब्रश दीजिएगा। जैसे आपने प्रोडक्ट यूज की लिया है तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है प्रोडक्ट को भरना, ठीक है, और इसको लास्ट पॉइंट तक आप भर लोगे। जितना आपको चाहिए होगा उस हिसाब से आपने पूरा भर लिया, लेकिन जब आपने ये लास्ट मिडल पार्ट से लेके लास्ट पार्ट तक तो आपने अपने अकॉर्डिंग भर लिया, लेकिन जब आप फ्रंट का करोगे अगर आपने जितना प्रोडक्ट यहाँ पे यूज किया है उतना ही यहाँ पे यूज करोगे तो ये बहुत भद्दा लगेगा और नेचुरल लुक नहीं देगा आपके आईब्रोज का, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट आपके ब्रश में बचा हुआ है उसी से बस यहाँ पे मिक्स कर देना है, ज़्यादा प्रोडक्ट आपको फ्रंट में यूज नहीं करना है, ठीक है, इतना समझ में आया। तो जब भी आप आईब्रो बना रहे हो तो नोज के सीध में आपको एक पेंसिल रखनी है, एक बिंदी आपकी यहाँ लगेगी, फिर दूसरा उठाइए, दूसरा आपको यहाँ पे लगाएंगे और थर्ड वाला आपका इस तरीके से लेके यहाँ पे जाएगा और इन तीनों को मिला देंगे और आपका जो आईब्रो है वो अच्छे से फील हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आईब्रो फील करने का तरीका, कोई डाउट? प्रैक्टिस कीजिए बार बार जब तक आपका शेप पूरा प्रॉपर आ ना जाए। और ये ध्यान में रखना है फ्रंट में आपको ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना, बार बार बता रही हूँ, अगर आपने ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ किया तो आपका आईब्रो बहुत गंदा दिखेगा।
Thank you.